हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 में, अभी माने मई से लेकर दिसंबर तक आपके लिए कैसा रहेगा, खासकर कोरोना को लेके। कोरोना महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रखी है, तो या लग्न वाइज जब ग्रहों की रश्मियाँ आपके पास कम आएंगी या अपने लग्नेश से दूर होंगे, आपके लग्नेश पीड़ित होंगे, तब आप पे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो आप अपने लग्न के अनुसार ये देख सकते हैं हमारा कब समय अच्छा आ रहा है और कब समय थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं है। तो अनुकूल समय जब आए तब आप कार्य आरंभ करिए, जो विपरीत समय आ रहा है तो उससे अपने आप को बचा के रखिए। तो आज जो चर्चा की लग्न है वो है मिथुन लग्न मिथुन राशि। मिथुन लग्न मिथुन राशि वर्तमान में संकट से चल रही है, संकटग्रस्त राशि है आप कह सकते हैं। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए आपके परिवार में कोई ना कोई इस समय कोरोना से प्रभावित हुआ है। आप नज़र उठा के देखिए, आपके घर परिवार में कोई ना कोई कोरोना से प्रभावित हुआ है। वर्तमान समय में जो चल रहा है वो 1 मई से 25 मई तक आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। आप तनाव में हैं, हो सकता है घर परिवार से दूर रहना पड़ रहा हो आपको, आपके अपने मूल निवास स्थान से आपको दूर रहना पड़ रहा है, इस समय बेवजह आपको जाना पड़ रहा है, यह समय आपको तनाव दे रहा है, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। लग्नेश आपके चूंकि द्वादश भाव में हैं तो आपका सुख भूमि माने माता आप, ये तीन चीज़ें क्या हैं, आपसे बहुत दूर चली गई हैं। तो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम हो रही है, मतलब आपके जो लग्न के स्वामी हैं उनकी रेज आपके शरीर पे कम पड़ रही है या उनकी रश्मि को आप ग्रहण कम कर पा रहे हैं। तो यह समय निश्चित रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ लग्नेश द्वादश में चले गए इसलिए ऐसा नहीं है, वर्तमान में आपके कुंडली में आपके आयेश और आपके कुंडली में खष्टेश मंगल आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और यह 2 जून तक गोचर करेंगे। यद्यपि आपके लग्नेश आपके लग्न में वापस आ रहे हैं 25 मई को वापस आ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, किंतु खष्टेश एकादशेश मंगल लग्न में ही है इसलिए आपको क्रोध भी ज़्यादा आएगा और प्रबल संभावना है कि आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े। इस समय अगर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली लग्न कोई है तो इस समय आपकी लग्न है, इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें। जैसे लग्नेश आपके लग्न में गोचर करेंगे फिर आप कोरोना के बीच में भी रह के कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन वर्तमान समय ऐसा चल रहा है कि आप ना चाहते हुए संक्रमित हो सकते हैं। तो अपने लग्नेश को ठीक रखें, आप किसी भी स्थिति में लाल रंग के कपड़े ना पहने, लाल कलर की बेडशीट का प्रयोग ना करें, लाल कलर के कपड़े का उपयोग कम करें या संभव है तो ना करें, हरे कलर के कपड़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। इसके पश्चात जैसे ही आपके लग्न में आएंगे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। फिर ये 26 मई से आपके 3 जून तक 26 मई से 3 जून तक ध्यान दीजिएगा, ये मिथुन में आ रहे हैं और मिथुन से फिर वक्री होके वृषभ में जा रहे हैं, तो 3 जून से 7 जुलाई तक का समय फिर तनाव लेने वाला समय है। 4-5 दिन का समय ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे आपको रिलैक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर आप जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हुए गफलत में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 3 जून से 7 जुलाई तक वक्री होकर वृषभ में जा रहे हैं, तो लग्नेश वक्री होने का मतलब अपने आप को ध्यान न दे पाना, तो अपने आप को विशेष ध्यान देना है, खान पान का बिल्कुल ख्याल रखना है। यहाँ पे मंगल आपके निम्न के होके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे, मतलब मुख में गोचर करेंगे, रोग मुख से जाएगा, सीधा सा मतलब है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मास्क प्रॉपर तरीके से बांध के रखना है। उसके पश्चात 7 जुलाई से फिर 25 जुलाई को मिथुन में आ रहे हैं, तब आप यहाँ पे रिलैक्स रहेंगे। 25 जुलाई से 9 अगस्त कर्क में जाएंगे, आपके सेकंड हाउस में जाएंगे, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके पश्चात बुध का गोचर जितना भी चल रहा है सब आपके फेवर में आ रहा है, फिर बुध का गोचर जैसे वृश्चिक में जाएगा आपको तनाव लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वृश्चिक में जा रहे हैं
अच्छा, 20 में फिर ही वक्री हो रहे हैं, कन्या से तुला में, तुला से कन्या में। 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक में जाएंगे। वृश्चिक का मतलब आपके कुंडली के अष्टम भाव में रोग के घर में जाएंगे। लग्नेश जब रोग के घर में जाएंगे तब तक आपको तनाव देंगे, आपको तनाव लेना ही पड़ेगा। ग्रह आपके आपको रोग के सन्निकट ले जा रहे हैं, इसलिए हर स्थिति में अपने जो लग्न के देवता हैं उनकी पूजा करें, गणपति भगवान की पूजा करें, गणपति तथा ऋषि का पाठ करें, दूर्वा उनको चढ़ाएं, हरे कलर की चीज़ों का उपयोग करें, पालक अवश्य खाएं। इससे निश्चित रूप से आपके बुध मजबूत होंगे और आपका लग्नेश मजबूत हुआ तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान में मंगल का गोचर चल रहा है लग्न में, फिर सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, यहाँ भी आपके मुख के माध्यम से रोग जाने की संभावनाएं बन रही हैं और यह समय 20 जुलाई तक चल रहा है। तो अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। मंगल के लिए हो सकता है तो आप दान करें। आपके कुंडली में फिर लग्नेश की स्थिति सही है। आपके कुंडली में मंगल के अलावा शनि आपके अष्टमेश हैं और शनि नवमेश है। चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है इसलिए वो आपके लिए आयु कारक है। साथ में आपके कुंडली में जो चंद्रमा है वो द्वितीय है, सेकंड क्वालिटी के मार्केश है, इसलिए आपके कुंडली में आपको अपने चंद्रमा पे भी दृष्टि रखनी होगी। ठीक, वर्तमान परिदृश्य में आप देखें तो आपके जो मार्केश हैं गुरु ग्रह वो अपने से तृतीय चल रहे हैं, मतलब ज़्यादा पराक्रम आपको परेशानी देगा। यह गुरु 14 सितंबर को फिर वापस आ रहे हैं मकर में। मार्केश अष्टम भाव में जा रहा है, यह समय भी आपका आपको अपना और आपके जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। आप भी तनाव में आ रहे हैं और आपके जीवन साथी की भी सेहत यहाँ पे खराब हो रही है, यह समय भी आपको चेक करके रखना पड़ेगा। अगर जीवन साथी की कुंडली ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो यहाँ पे आपको फिर तनाव लेने की आवश्यकता है, उनके देख रेख करने की आवश्यकता है। तो गुरु आपके कुंडली में जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको भी प्रभावित करेंगे, आपके जीवन साथी को प्रभावित करेंगे। आप क्या कर सकते हैं तो अपने लग्नेश को मजबूत करें। अगर आपको पता है कि मिथुन लग्न है तो एक पन्ना पहन के रखें, सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। नहीं पता है, आप संशय में हैं, सिर्फ मिथुन राशि देख रहे हैं, तब हम पन्ना पहनने की सलाह आपको नहीं दे सकते, क्योंकि लग्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है राशि की अपेक्षा। तो आप यहाँ पे बुध जनित चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, बुध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और मंगल जनित चीज़ों का दान कर सकते हैं। गुरु से संबंधित चीज़ों को भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि आपके कर्मेश और आपके सप्तमेश है, तो आपका कर्म भाव भी प्रभावित हो रहा है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, जीवन साथी प्रभावित हो रहा है। तो वर्तमान परिदृश्य आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए एक हफ्ते के लिए अच्छा समय आएगा। फिर उसके पश्चात फिर लग्नेश वक्री होकर वैभव में जा रहे हैं, तो फिर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जो मिथुन लग्न वाले हैं उनके अंदर क्षमता ये होती है कि किसी चीज़ को बहुत आसानी से वो समायोजित कर लेते हैं। संगठन की शक्ति आपके अंदर बहुत अच्छी है, समायोजन की शक्ति बहुत अच्छी है, तो इस कोरोना को भी आप समायोजित कर लेंगे, ऐसी हमारी आशा है आपसे। और आपके लिए मंगलमय शुभकामना, स्वस्थ रहिए। आप सरकार के लिए एक संख्या हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए आप संपूर्ण संसार हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।